दोस्तों क्या होता है, हम में से बहुत से ऐसे होते हैं जिनको बड़े स्क्रीन में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो क्या करते हैं कि एक बड़े साइज का टीवी को एज ए कंप्यूटर मॉनिटर वो यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है, स्क्रीन तो उसको बड़ा मिल जाता है, इनको बड़ा मिल जाता है, पर एक्चुअल में क्या टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर का जो वर्किंग पर्पस है, उसका जो आउटपुट है, उसका जो काम करने का स्पेसिफिकेशन है, वो क्या सेम होता है उससे कि एक्चुअल में कंप्यूटर मॉनिटर से हमें जो आउटपुट मिलता है, टीवी से भी क्या हमें वही सेम आउटपुट मिलता है। चलिए जान लेते हैं इसी डिफरेंस को, आज बने रहिए पूरे वीडियो के साथ और देख लेते हैं ये डिफरेंसेस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल यूट्यूब चैनल टेक्नोसिटी। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज मैं आपके लिए रोजाना बनाते रहता हूँ। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं पर्पस का। ये जो टीवी होता है, टीवी का पर्पस होता है एंटरटेनमेंट। आप घर पे टीवी चला के, टीवी के सामने बैठ के मूवीज देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस देख रहे हैं, तो इसी पर्पस के लिए टीवी बनाया जाता है। तो और कंप्यूटर मॉनिटर जो है उसका बेसिक पर्पस होता है, आप उसमें काम कर रहे हैं, उस पर गेम खेल रहे हैं, उस पर आप एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग होता है, फोटो एडिटिंग होता है, ये सब काम आप करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये जो कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी जो होता है, इसका साइज जो होता है, इस साइज में भी बहुत सारा डिफरेंस आता है। टीवी जो होता है वो फिलहाल दोस्तों 22 इंच, 24 इंच से लेके 55 इंच, 110 इंच तक का टीवी आपको मिल जाता है मार्केट में, पर कंप्यूटर मॉनिटर्स जो है वो 24 इंच, 27 इंच, फिलहाल 30-32 इंच का मॉनिटर भी मार्केट में आने लग गया है। और ये जो मॉनिटर्स है, इन इसका जो क्वालिटी की बात करते हैं, तो मॉनिटर का जो क्वालिटी है वो लिमिटेड क्वालिटी मार्केट में मिलता है आपको। जैसे आपका HD, UHD और 4K तक का मॉनिटर आपको मार्केट में मिल जाता है जो कंप्यूटर मॉनिटर्स है, पर टीवी जो अभी फिलहाल आने लग गया, टीवी HD, UHD, 4K ये तो मिल रहा था, अभी फिलहाल मार्केट में OLED, क्वांटम डॉट वाला टीवी भी आने लग गया, जो कि बहुत ही हाई रेंज का टीवी होता है और उसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये है क्वालिटी का डिफरेंस है टीवी और मॉनिटर के बीच में। चलिए बात कर लेते हैं रेस्पॉन्स रेट की। रेस्पॉन्स रेट जो होता है वो टीवी में बहुत ही कम होता है। रेस्पॉन्स रेट मतलब आप टीवी में कुछ इनपुट दे रहे, टीवी एज ए कंप्यूटर मॉनिटर यूज कर रहे हैं और उसमें कुछ इनपुट्स दे रहे हैं, जैसे आप कीबोर्ड में कुछ एंटर कर रहे हैं, माउस का क्लिक कर रहे हैं, कुछ कलर चेंजेस हो रहा है, तो इसका जो रेस्पॉन्स रेट है वो टीवी में बहुत ही कम होता है। ज्यादा से ज्यादा 30 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज तक टीवी में मिल जाता है आपको, वो भी टीवी के क्वालिटी के ऊपर। और कंप्यूटर मॉनिटर पे जो है, मॉनिटर पे यही रेट आपको, रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है 240 हर्ट्ज से लेकर 260 हर्ट्ज तक मिल जाता है, पर इसका क्वालिटी होता है, इसका डिफरेंट डिफरेंस रेट होता है। तो इसी हिसाब से, रेस्पॉन्स रेट के हिसाब से भी कंप्यूटर मॉनिटर टीवी के जगह पे बहुत ही आगे जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रिफ्रेश रेट की। रिफ्रेश रेट जो होता है वो रेस्पॉन्स रेट की तरह ही टीवी का बहुत कम होता है और कंप्यूटर मॉनिटर का जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और कलर्स जो है, बात कर लेते हैं कलर्स की। कलर्स जो होता है, कलर्स कंप्यूटर के मॉनिटर पे आपको एक्चुअल कलर्स दिखते हैं। एक्चुअल कलर्स मतलब सोचिए किसी जो हैश कोड होता है हर एक कलर का, वो कंप्यूटर मॉनिटर पे एक्चुअल दिखता है, जो हैश कोड है वही कलर्स दिखता है, पर टीवी में जो होता है वो डिफरेंस होता है। मैं और भी डिटेल्स में बोलता हूँ कि टीवी में जो हम लोग जब कभी मूवीज देखते हैं, मूवीज वगैरह, वीडियोज वगैरह एडिटिंग करते हैं, वीडियोज फोटोज, तो उसमें हमें जो कलर्स दिखता है वो बहुत ब्राइट दिख जाता है हमें। ब्राइट मतलब एडिटिंग के टाइम पे हमें जो कलर चेंजेस करना पड़ता है, कलर ग्रेडिंग करना पड़ता है, कलर का जो भी काम होता है एक्चुअली, उसमें हमें टीवी में एक्चुअल कलर्स नहीं देखने को मिलते, क्योंकि एक्चुअली वो बनाया गया है एंटरटेनमेंट के लिए और वो एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स खुद से प्रोवाइड करते हैं टीवी। और कंप्यूटर मॉनिटर्स जो होता है उसमें, उसको काम के लिए बनाया गया, इसीलिए उसमें जब हम ये एडिटिंग वगैरह करते हैं, ये कुछ मूवीज देखते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो उसमें हमें जो एक्चुअल कलर्स है वही हमें दिखता है, कुछ ब्राइटनेस ज्यादा ब्राइट या कलर चेंज होके हमें नहीं दिखता है, जो एक्चुअल हैश कोड्स होते हैं वही दिखते हैं। दोस्तों ये था कलर्स का डिफरेंस कंप्यूटर और कंप्यूटर मॉनिटर और टीवी के बीच में। दोस्तों बात कर लेते हैं अभी स्टैटिक थिंग्स का। स्टैटिक थिंग्स मतलब टीवी में
जो होता है वो चेंजेबल होता है। टीवी में एक मूवी चल रहा है तो मूवी का कैरेक्टर्स जो है, मूवी का जो वीडियो है वो हमेशा चलता रहता है। और कंप्यूटर मॉनिटर में क्या होता है, कंप्यूटर मॉनिटर में नीचे टास्क बार होता है, डिस्प्ले में क्लॉक होता है, कुछ परफॉर्मेंस का बहुत सारा कुछ लगा हुआ रहता है। तो वो जो चीज़ होता है वो डिस्प्ले में स्टैटिक रहता है, वो वहीं पे रहता है, वहां से हटता नहीं है। तो क्या होता है, टीवी अगर हम कंप्यूटर एज ए कंप्यूटर मॉनिटर यूज कर लेते हैं तो वो जो स्टैटिक्स थिंग्स है वो भी टीवी में एक ही जगह पे, एक ही जगह पे बना हुआ रहता है। तो वो चीज़, टीवी का जो पिक्सल है ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह पे रहता है, तो टीवी का पिक्सल जो है वो उसमें कलर चेंजेस नहीं होता है, उसमें बर्निंग का प्रॉब्लम आ जाता है, पिक्सल बर्न हो जाता है कभी कभी। पर अभी का जो OLED क्वांटम कोर वाला टीवी है उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। पर साइड बाय साइड ये कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो बनाया गया है काम के लिए, तो उसमें स्टैटिक थिंग्स आप पूरा दिन तक चलाए रखिए, एक दो दिन तक मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर चलता रहता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि बनाया गया है कंप्यूटर मॉनिटर को कंप्यूटर पे काम करने के लिए, और स्टैटिक थिंग्स को एज ए स्टैटिक थिंग्स कंप्यूटर डिस्प्ले में रहता है, तो उस चीज़ को वही हिसाब से बनाया जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं, ये जो कंप्यूटर मॉनिटर का जो साउंड क्वालिटी होता है और टीवी का जो साउंड क्वालिटी होता है, इस बारे में, टीवी में बहुत अच्छा स्पीकर लगाया हुआ रहता है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के लिए होता है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ। तो इसमें टीवी में कभी कभी आपको 3D सराउंडिंग साउंड भी मिल जाता है, बहुत से टीवी ऐसे हैं जिसके साथ बहुत ही अच्छा सा साउंड सिस्टम आपको मिल जाता है टीवी के साथ। पर कंप्यूटर मॉनिटर के साथ एक्चुअल में ज़्यादा साउंड स्पीकर्स नहीं होते हैं, और कुछ कुछ मॉनिटर के साथ अगर स्पीकर्स होते भी है तो भी उनका साउंड क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि वो वर्किंग पर्पस के लिए दिया हुआ रहता है, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट, आप अच्छे से एक चीज़ समझ लीजिए, एंटरटेनमेंट और काम, ये दोनों डिफरेंस चीज़ है। तो एंटरटेनमेंट है जो है वो जाता है टीवी पे, और जो वर्किंग पर्पस है वो जाता है कंप्यूटर मॉनिटर को। तो ये जो दोनों डिफरेंस है, ये ज़्यादा डिफरेंस हमें लगता नहीं है, पर इस पीछे ये डिफरेंस बहुत ही बढ़िया डिफरेंस हो जाता है। तो और टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर के बीच में और एक बहुत ही बढ़िया डिफरेंस है, जो है टीवी जो है वो अभी आने लग गया है, स्मार्ट टीवी, और बहुत से टीवी में बहुत सारा जो फीचर्स है वो बहुत ही अपग्रेड हो गया है। तो टीवी अभी फिलहाल एक माइक्रो कंप्यूटर की तरह हो गया, जिसमें आप नेटवर्क केबल अटैच करके उसमें इंटरनेट कर सकते हैं, उसमें गेम खेल सकते हैं, बहुत कुछ आ गया है। पर कंप्यूटर मॉनिटर जो है उसमें अपना खुद का एक ब्रेन जो होता है वो नहीं रहता है, वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकता है, वो ब्रेनलेस होता है। अगर आप कंप्यूटर मॉनिटर को किसी CPU के साथ अटैच ना करते हैं तो, या CD DVD या कुछ भी आप इसमें नहीं चलाते हैं, तो वो अपने आप से कुछ काम नहीं कर सकता है, वो ब्रेनलेस है। जहाँ पे साइड बाय साइड टीवी अपने आप में खुद से कुछ ना कुछ काम कर लेता है एज ए, क्योंकि उसमें वो चीज़ दिया हुआ रहता है अभी जो स्मार्ट टीवीज होते हैं। साथ ही साथ टीवी में आपको फ्लैश ड्राइव्स भी मिल जाते हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत स्टोरेज भी कर सकते हैं, पर कंप्यूटर मॉनिटर जो है उसमें स्टोरेज नहीं आता है, स्टोरेज जो होता है वो टोटल CPU में होता है, CPU के साथ कंप्यूटर मॉनिटर अटैच नहीं रहता है, तो कंप्यूटर मॉनिटर का कोई भी काम नहीं होता है। तो दोस्तों फिलहाल ये था कंप्यूटर मॉनिटर और टीवी के बीच में जो डिफरेंस। अगर आपको और भी कुछ डिफरेंसेस पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आप कंप्यूटर मॉनिटर के जगह पे टीवी यूज़ कर रहे हैं अपने CPU के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी बताइए। तो दोस्तों फिलहाल ये था पूरा जो फंडा कंप्यूटर मॉनिटर और टीवी के बीच में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो डिटेल्स मैं आपको बताया, ये जो फीचर्स टीवी का और कंप्यूटर मॉनिटर का अलग अलग है, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।